फ्रेंड्स, आई मुगल मित्तल, हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, वेलकम्स यू ऑल इन दी वीडियो सीरीज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्निक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूटन रैप्सन मेथड, दैट इज द थर्ड मेथड ऑफ द फाइंडिंग आउट द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। न्यूटन रैप्सन मेथड, ऑल्सो नोन एज द न्यूटन्स मेथड, इज वे टू क्विकली फाइंड आउट द गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये एक एडवांसमेंट टेक्निक है ओवर द बाइसेक्शन एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बाइसेक्शन मेथड सबसे धीरे इटरेशंस के थ्रू आपको रूट निकाल करके देता है, रेगुलर फॉल्सी उसके इटरेशंस जो है रेट ऑफ कन्वर्जेंसी जो है जो बाइसेक्शन से ज़्यादा तेज है, लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड बेसिकली उन दोनों को ही ओवरकम करता है और सबसे तेज हमारे पास रूट निकाल करके, तेज का मतलब यहाँ पर लेस नंबर ऑफ इटरेशंस में रूट निकाल करके हमको देता है। इट यूजेस द आइडिया दैट कंटिन्यूज द डिफरेंटिएबल फंक्शन दैट इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू इट। ये जो फंक्शन है बेसिकली ये एक डेरिवेटिव फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे काम करता है, और हम यहाँ पर वैल्यूज़ का डेरिवेटिव फंक्शन को भी यूज़ करते हैं। नॉर्मल फंक्शन की वैल्यू को तो यूज़ करते ही, उसके साथ साथ उसकी डेरिवेटिव फंक्शन भी यूज़ करते हैं, तो ये दोनों तरफ से रूट्स को काउंट करना शुरू करता है। इसका अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें हम बहुत आराम से इसको समझ जाएंगे कि किस तरह से ये काम करेगा। डेरिवेटिव फंक्शन क्या होता है उसमें भी हम निकालना बताएंगे आपको। आ जाते हैं इसके फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्स टू इज मीन सक्सेसिव इटरेशंस को कैलकुलेट करने का इसका जो फॉर्मूला है। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल एक्स टू इज टू बी कैलकुलेटेड, देन एक्स वन इक्वल्स टू एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स जीरो। तो यानी जनरलाइज फार्मूला हम कह सकते हैं कि कोई सी भी नेक्स्ट इटरेशन निकालने के लिए एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन अपॉन डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स एन। तो डेरिवेटिव निकालना यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी हम यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं। अनलाइक रेगुलर फॉल्सी और बाइसेक्शन हम यहाँ पर एक्स जीरो और एक्स वन दोनों को यूज़ नहीं करने वाले, हम केवल नियरर वैल्यू को यूज़ करेंगे जिसको रखने पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती थी। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बेसिस पे हम समझ जाएंगे कि ये है किस तरह से काम करता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आइए स्टूडेंट, अब हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के न्यूटन रैप्सन मेथड का टर्मिनोलॉजी किस तरह से ये काम करेगा। हमने यहाँ पर न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए एक इक्वेशन को ले लिया है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव, और अब इसके हम रूट फाइंड आउट करने वाले हैं करेक्ट टू थ्री डेसिमल प्लेसेस। हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया है न्यूटन रैप्सन का जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एंड देन अपॉन बाई डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हम किस तरह से निकालते हैं? सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इस कांस्टेंट को बेसिकली पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। इधर आ जाते हैं, सपोज जिस भी वैल्यू का हमें डेरिवेटिव निकालना है लाइक एक्स थ्री, तो ये डेरिवेटिव में बेसिकली होता क्या है कि ये जो थ्री है बेसिकली जो पावर है थ्री की, किसी भी फंक्शन के लिए पावर रहती है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और इस पावर का बेसिकली में से एक हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। दोबारा बता देता हूँ, एक्स क्यूब विल बी क्यूब उतर के नीचे आ जाएगा यानी थ्री एक्स, और यहाँ पर एक की पावर इसकी में से माइनस हो जाएगी, दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रहेगा थ्री एक्स। अब देखें यहाँ पर ये एक्स जो है वो बेसिकली इसके साथ इस कांस्टेंट के साथ सिंगल मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिंगल मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन इग्नोर कर दिए जाते हैं, तो हमारे पास सिंपल ये थ्री कांस्टेंट वैल्यू बच जाती है, और जो अकेले कांस्टेंट होते हैं वो पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिए जाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली इसकी जो डेरिवेटिव फंक्शन की जो वैल्यू है एफ डैश एक्स, वो हमारे पास एक्स थ्री एक्स क्यू स्क्वायर माइनस थ्री आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, यानी अब इस पूरे फंक्शन के लिए जब भी हम डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इस वैल्यू में हम एक्स की वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे। आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। जब हम इसको न्यूटन रैप्सन मेथड के इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, तो लाइकवाइज ऑफ बाइसेक्शन एंड रेगुलर फॉल्सी हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ को रख करके देखेंगे, जिसमें एक बार रखने पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, दूसरी बार रखने पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है। तो अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, हम देख लेते हैं इसको कि हम किस तरह से कर पाएंगे। हमने इनिशियली क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए f ऑफ 2 इसमें पुट किया, दैट इज 2 स्क्वायर। अब इस फंक्शन में वैल्यू को पुट कर लेते हैं, माइनस फाइव इक्वल्स टू, यह मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज माइनस थ्री विच इज ऑफ द नेगेटिव साइड। f3 जब हमने पुट किया है तो 3 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन विद 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 13 विच इज ऑफ पॉजिटिव साइड। तो अब हम कह सकते हैं सो रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3।
अब बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फालसी मेथड में हम दोनों बेसिकली इसको ट्रीट करते थे, बाइसेक्शन में इसको ए और इसको बी, रेगुलर फालसी में दैट इज एक्स जीरो एंड दैट इज एक्स वन। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करने वाले, इसमें बेसिकली हम उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे जिसको रखने पर बेसिकली हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई थी, इसको अभी हम इग्नोर करके चलेंगे। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्स जीरो या एक्स एन की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। तो जब भी हम नेक्स्ट इटरेटिव फंक्शन में हम बनाने वाले हैं, तो इटरेशन में हम देखते हैं अब हम आगे क्या करेंगे। इन इटरेशन वन व्हाट विल बी, इटरेशन वन विल बी एक्स वन इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स जीरो। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज को निकालना शुरू किया। जब हम एक्स जीरो की वैल्यू हमने बेसिकली टू कंसिडर किए, तो टू निकालने पर हमारे पास जो इस फंक्शन की वैल्यू थी वो माइनस थ्री आई थी। तो दैट विल बी टू माइनस माइनस थ्री अपॉन, अब ये जो डेरिवेटिव में जो वैल्यू रखनी है दैट इज ऑफ टू, तो हम यहाँ पर इस पे टू की वैल्यू को रख लेते हैं, दैट इज थ्री मल्टीप्लीकेशन विद टू टू द पावर टू, दैट विल बी फोर, फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री दैट इज ट्वेल्व माइनस थ्री इक्वल्स टू नाइन। ओके, हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल करके आई 2.333333। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर हमने आप ये सोच सकते हैं कि हमने यहाँ पर इतना लंबा डेसिमल के बाद वैल्यू क्यों लिया है, क्योंकि हम डेसिमल के थ्री डेसिमल प्लेसेस तक तो देख ही रहे हैं, हमें यहाँ तक तो अपना करेक्ट आंसर चाहिए। तो हमने बेसिकली इसको इन वजह से लिया है क्योंकि इनकी वैल्यूज में जो भी चेंजेस होते हैं वो इधर की तरफ भी फर्क डालते हैं, तो हम इनको इग्नोर कर नहीं करके चलेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा डेसिमल प्लेसेस के बाद छः प्लेसेस तक हम ले जा रहे हैं। आ जाते हैं इटरेशन नंबर टू में। इन इटरेशन नंबर टू वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द एक्स टू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्स वन विल बी टेकिंग एज एन एक्स एन। तो हम यहाँ पर देख लें तो एक्स वन माइनस एफ एक्स वन अपॉन डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स वन। अब यहाँ पर हम ये जो ये वैल्यू आई थी निकल करके, ये एक्स वन हो गया है, इसको हमने इस वैल्यू में रख करके निकाला है वैल्यू। तो हम इसको देख लेते हैं कि हम किस तरह से रखेंगे। तो 2.333 को हम देख लेते हैं, 2.333333 क्यूब माइनस थ्री मल्टीप्लीकेशन विद 2.333333 माइनस फाइव विच इज इक्वल्स टू 0.70। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2.333333 माइनस 0.703699 अपॉन। अब डेरिवेटिव में हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो डेरिवेटिव में निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री मल्टीप्लीकेशन 2.333333 स्क्वायर माइनस थ्री विच इज इक्वल टू 13.3333 विच इज इक्वल टू 13.33332। हमने इसको कैलकुलेट किया, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई दैट इज 2.280557। अब इसको दिखा भी देता हूँ करके कैलकुलेट किस तरह से किया है। 2.333333 माइनस इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ 0.703699 डिवाइडेड बाय 13.33332 इक्वल्स टू 2.280555555। यहाँ पर हम लिख लेंगे, माफ कीजिएगा, 555। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वैल्यू निकल करके आई है ये एक्स टू की वैल्यू आ गई है। अब इटरेशन नंबर थर्ड में अब यहाँ पर देख सकते हैं बाइसेक्शन मेथड या रेगुलर फालसी मेथड की तरह हम यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और हम बहुत तेजी से अपने रूट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हो सकता है दो या अगले तीन स्टेप में हमारे पास आंसर निकल कर गया जाए। इटरेशन नंबर थर्ड में हम बेसिकली एक्स थ्री को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला विल बी एक्स थ्री इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एफ एक्स टू अपॉन डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स टू। अब हम एक्स टू की वैल्यू जो ये निकल करके आई है ये इस फंक्शन में रखना शुरू कर देंगे, तो दैट विल बी 2.280555 माइनस, अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, 2.280555 क्यूब माइनस थ्री मल्टीप्लीकेशन विद 2.280555 माइनस फाइव विच इज इक्वल्स टू 0.019344। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0.019344444। ठीक है, दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं डेरिवेटिव फंक्शन के साथ, इस वैल्यू को रखते हैं, तो थ्री
multiplication with this one 2.280555 square minus 3, which is equals to 12.60279. That will be equals to, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.280555 माइनस 0.019344 डिवाइडेड बाय 12.60279 इक्वल्स टू 2.279020. ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं इटरेशन नंबर 4 में. इटरेशन नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं, इटरेशन नंबर 4 में हम x4 को कैलकुलेट करने वाले हैं. दैट विल बी x3 माइनस fx3 अपॉन डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x3, विच इज इक्वल्स टू, हमारे पास x3 की वैल्यू ये आ गई है 2.279020 माइनस, अब हम इस वैल्यू को बेसिकली निकाल करके देख लेंगे कि हमारे पास फंक्शन में रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है. हमने फंक्शन में निकाल करके इसकी वैल्यू देखी तो 2.279020 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन विद 2.279020 माइनस 5 इच इज इक्वल्स टू, विच इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मिल रही है 10, एक्सपोनेंट में चली गई है वैल्यू, दैट इज पावर 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लीकेशन के साथ. तो इसमें आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पर 1.52 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू पॉइंट, यानी हमें कहने इस 5 का क्या मतलब है, इस 5 का ये मतलब है कि हमें पांचवे प्लेस से, यानी पॉइंट के बाद हम 4 जीरो लगाएंगे और पांचवे प्लेस से ही इस वैल्यू को उतारेंगे. ठीक है, लाइकवाइज इस तरह से 0.0000 देन 1527 152, ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम काफ़ी कुछ काम कर चुके हैं. आ जाते हैं नीचे डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू को निकालने के लिए, दैट इज 3x² - 3, तो 3 मल्टीप्लीकेशन विद दिस वैल्यू 2.279027² - 3 इक्वल्स टू 12.581796, विच इज इक्वल्स टू, अब हम इसको कैलकुलेट कर लें, 2.279027 माइनस 0.0000152 डिवाइडेड बाय 12.581796, विच इज इक्वल्स टू 2.279018. आप देख सकते हैं हम अपने आंसर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि अब देखा जाए हमने डेसिमल के 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको कंसिडरेशन करने की कोशिश की थी, तो आप देखिए हमारे पास 0.279, यानी हमारा जो बेसिकली आंसर है वो निकल करके आ गया है, विच इज़ इक्वल्स टू 2.279, हमारा जो एग्जैक्ट रूट है वो डेसिमल के 3 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट हमको मिल गया है. तो अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर केवल 4 इटरेशन में ही इस पूरे के पूरे फंक्शन को सॉल्व कर दिया है, और ये करेक्ट मेथड है, और बहुत तेज़ी से इटरेशन इसमें चलती हैं और इसने हमें आंसर दे दिया. तो हेंस वी कैन से दैट सो आर एक्चुअल रूट या रियल रूट ऑफ इक्वेशन x3 माइनस 3x - 5 इक्वल्स टू 0 इज 2.2790, विच इज आर आंसर. आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा. यूज ऑफ द कैलकुलेटर इज वेरी प्रिसाइज, आप बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेटर का बहुत ध्यान से यूज करें, क्योंकि कैलकुलेटर ही आप में यूज करने वाले हैं इसमें, और बहुत प्रिसाइज वर्क करता है कैलकुलेटर, और एग्जैक्ट वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाएगा. आगे हम और भी एग्जाम्पल करने वाले हैं, उसको देखने के लिए बने रहिए. थैंक यू.